हेलो नमस्कार प्रणाम, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले। शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 को लेकर फिर से कल भोपाल में आंदोलन किया गया है। शिक्षकों के द्वारा मांग की गई है वर्ग 3 में 51,000 पदों में वृद्धि करके इनकी तीसरी काउंसलिंग की है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। पूरे प्रदेश भर से अभ्यर्थी पहुँचे थे भोपाल में, शिक्षा मंत्री जी से मिले, ठीक है, और आंदोलन किया और एक ही मांग है इनकी 51,000 पदों पर वृद्धि किया जाए मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों की। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, एक डिबेट दिखाने वाला हूँ मैं आपको। वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डिबेट में पूरा वीडियो जरूर देख के क्या हुआ कल की डेट में, अभ्यर्थियों से क्या कहा गया, पद वृद्धि होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितने पदों पर होगी वर्ग 3 में, ठीक है। 51,000 पदों की मांग की जा रही अभ्यर्थियों के द्वारा, तो होती कि नहीं होती इसके बारे में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। शिक्षक की जो एलिजिबिलिटी, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करे हुए हैं, अब वो भी सड़क पर उतरने को मजबूर है। आज भोपाल पहुंचे MPTET वर्ग 3 के पद 51,000 किए जाएं इस मांग को लेकर, और जैसा उन्होंने बताया, उनकी भी रिक्वेस्ट थी, तो दिल लपेटा एक बार फिर से इस मसले को उठा रहा है। और वो तमाम लोग जो हैं, जो भोपाल में प्रदर्शन के लिए पहुंचे, सभी बच्चे हैं हाल ही में जिन्होंने एग्जाम क्लियर करी है, वो एक बार फिर से भोपाल पहुंचे। हमारे साथ सभी लोग एक बार फिर से जुड़े हैं और जिनकी एक ही मांग है कि मध्य प्रदेश में जो MPTET यानी जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है वर्ग 3, उसमें पद 51,000 किया जाए। 18,000 सरकार ने निकाले हैं, उसमें से भी 10,000 ट्राइबल के पास चले गए, 6,000 बचे हैं। ये बात हमने जब समझी तो इस मसले को हम लगातार उठा रहे हैं। लेकिन हम बातचीत शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इसे देख रहा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम अलग अलग इश्यूज पर, चाहे वो मुद्दा उसका टॉपिक ये नहीं हो, लेकिन अलग अलग मसलों पर, जैसे मान लो हम किसी नेता से बात कर रहे हैं, किसी नई पार्टी वाले का जो चुनाव मैदान में उतर रहा है, तो हम इस मसले को उठाते रहते हैं, इसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी आपके मसले को हम उठाएं तो आपको इसकी सूचना पहुंच जाए। मंगल हमारे साथ जुड़े हैं, आज भोपाल में थे। मंगल, आप आंदोलन कर रहे थे, क्या हुआ बताएंगे थोड़ा? सर नमस्कार आपको और सभी लपेटा टीम को। सर आज हम सभी लोग आए थे, आज प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 में पद वृद्धि के लिए आए थे, और साथ में हमने हमारी सर मांग एक भी थी कि जो 51,000 की जो मांग थी वो तो सर निरंतर चली रही है। सर एक सेकंड काउंसिल का जो रोस्टर था वो आना था, तो सर वो अभी 28 फरवरी को आना था लेकिन अभी तक वो नहीं आया था। तो सर हमारी मांग ये थी कि जो फर्स्ट काउंसिलिंग में जो मैं सर आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ, फिर एक बार आपका करा देता हूँ सभी को, कि 18,527 सर वो आया था रोस्टर फर्स्ट काउंसिलिंग का, जिसमें से मतलब 16,423 पर नियुक्ति आदेश जारी हुए थे। तो सर उसके बाद से सर क्या था कि वो पद उसमें अभी उसमें सर क्या थी वर्ग 1, 2 और 3, 16,423 जो पद थे उसमें भी सर वर्ग 1, 2, 3 सभी तीनों मतलब वर्ग के लोग उसमें क्वालिफाइड है, तो कहीं ना कहीं जो वर्ग 1, 2 के हैं वो 3 में ज्वाइनिंग नहीं लेंगे तो उनके पद भी बचेंगे सर फर्स्ट काउंसिल कर करीबन 2-3 हज़ार पद बचेंगे। तो सर वो पद जोड़ के एक मिनट आसान भाषा में समझे या लोगों को समझाए, तो 18,000 के तकरीबन जो पद निकले फर्स्ट काउंसलिंग में, ठीक जी 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 सर, उसमें जो लोग ज्वाइनिंग नहीं लेंगे आपका मानना है कि वो भी बचेंगे? जी सर। तो आप ये आपका मानना है कि सेकंड काउंसलिंग में पद ज्यादा आए और साथ में जो बैकलॉग हो पदों का, नहीं जो बच जाए 18,000 जो पहले जो निकले थे उसको भी शामिल किया जाए सेकंड काउंसिल में, यही? जी सर, और जितने ज्यादा संभावना हो उतने ज्यादा पद जोड़े जाए, कि सर बहुत ज्यादा लड़के क्वालिफाइड, आज संख्या इतनी थी भोपाल में कि DPI के सामने लड़के बन नहीं रहे थे, बहुत ज्यादा लड़के थे और सबने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी मांग रखी, लेकिन ऐसा अभाग्य मतलब अभाग्य कह सकते हैं कि कोई वहां पे मिलने जुलने नहीं आया, लेकिन प्रयास हमारा यही है। मैं आपसे ये पूछने वाला था कि आप लोगों ने प्रदर्शन किया तो कोई आया था आपसे मिलने जुलने, आपकी बात सुनने कोई आया था? जी सर नहीं, कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया सर। और हमारा यही था कि जो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो फर्स्ट काउंसिल के पद है हमारा सर यही मांग है ज्यादातर कि जो फर्स्ट काउंसिल के जो पद है वो मतलब सेकंड में जोड़े जाए, जो हमारे 2-3, 3-4 हज़ार बचेंगे, और जो सेकंड काउंसिल का जो रोस्टर है सर वो जल्दी जारी हो, कि सर वो फरवरी में होना था, मतलब लास्ट फरवरी में होना था जारी, अभी जो अपनी जो फरवरी भी निकली है मार्च से पहले अप्रैल से पहले उसमें होना था, वो 2 महीने डिले हो चुका है सर। तो जो फर्स्ट काउंसिल के पद है वो जुड़े, और साथ में जो 7,500 जो DPI ने जो पहले लेटर जारी किया था ऑफिशियल वो, और 860 ट्राइबल, साथ में हमारे जो 51,000 की मांग पदभर्ती की चली रही है, हम नहीं चाहते सर अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है 51,000 तो सेकंड काउंसलिंग में ज्यादा से ज्यादा पद। हम तो सर इतने नर्वस हो गए हैं कि हम तो अब कुछ भी मिल जाए उसमें हम तो राजी हो गए, हम इतने परेशान हो चुके हैं सर। तो हम सरकार से मामा जी से शिवराज सिंह चौहान जी से यही गुहार करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि सेकंड काउंसलिंग ज्यादा से ज्यादा पदों पर हो, जैसे 20,000, 30,000 इतने पदों पर कम से कम हो जाए, जो हमें बार बार हम यहाँ पे प्रदर्शन जो कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, तो कहीं वो हमारी पूरी हो जाए। जी, और भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कभी 51,000 की बात कर रहे थे
गजट में इससे ज्यादा पद है नहीं। अभी आप भी गए थे प्रदर्शन में? जी सर, सर एक्चुअली मैं गई थी पर मेरे बेबी को प्रॉब्लम हो गई थी तो सर मैं पूरे टाइम नहीं रुक जी पाई, मैं उसको आ गई थी सर, धूप बहुत पड़ रही है तो सर इसलिए मुझे आना पड़ा वापस। जी तो आप क्या जिस तरीके से एक मंगल की बातों से एक हताशा जैसी लगती है कि अब पहले हम 51,000 की बात कर रहे थे लेकिन अब ये कि सेकंड काउंसलिंग में ज्यादा से ज्यादा हो जाए, कहीं कोई आश्वासन नहीं इस बीच? इस बीच में आप लोगों ने इतना, चूंकि आप सोशल मीडिया पे भी आपका आपका पूरा ग्रुप बहुत एक्टिव है, सब जगह ट्वीट करते हैं, सवाल करते हैं, कहीं से कोई आश्वासन मिला है नहीं या कहीं अभी तक? सर सिर्फ आश्वासन, जैसे हम किसी को ज्ञापन देने जाते हैं तो सर वहां पे हमें आश्वासन मिलता है, जैसे हम शिक्षा मंत्री जी के पास गए कई बार तो उनके जो पीए हैं उन्होंने हमें कई बार आश्वासन दिया है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, पर सर जो रियलिटी है जो वास्तविकता है वो अभी तक नहीं आई है। इसलिए सर हम चाहते हैं कि सेकंड काउंसलिंग ज्यादा से ज्यादा पदों पर हो, ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो सेकंड काउंसलिंग में, अगर 51,000 ना निकले तो संख्या बढ़कर हो सेकंड काउंसलिंग, जिससे सर जो जिनकी मार्क्स अच्छे आए हुए हैं कम से कम वो तो ज्वाइन कर सके, उनको तो दुख ना हो, जो अभी ज्यादातर मानसिक तनाव में वो उन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए। तो इस पर आप कभी डीपीआई, या क्योंकि डीपीआई तय करेंगे, डीपीआई से बात हुई आप लोगों की? आप वहां गए थे जो भी प्रदर्शन करने गए थे, डीपीआई कोई आए थे बातचीत करने? नहीं मैं सर मैं बोल रही हूँ ना सर, मेरी बीबी की सर वो तबीयत खराब नहीं हो गई मतलब थी। आप, मैं आपसे नहीं, मतलब दूसरे साथियों से भी जानना चाहता हूँ, मतलब किसी ने बताया हो आपको? नहीं हाँ सर मिलने कोई नहीं आया? आया ना? नहीं सर। हाँ दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, दीपक। हाँ दीपक अनम्यूट कर दीजिए, माइक को अनम्यूट कर दीजिए दीपक। हाँ चलिए नामदेव जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है माइक को अनम्यूट करके बोलिए। जी सर पहुंच रही है। जी बिल्कुल बताइए क्या हुआ आज? सर एक्चुअली में मैं काफी टाइम से जा रहा हूँ, पिछले 8 महीनों से भोपाल की सड़कों में जा रहा हूँ, बट आज किसी कारण बस सर मैं जा तो नहीं पाया, बट सर फील कर सकता हूँ कि मैं भी जैसे भोपाल की सड़कों पे फिर रहा हूँ। सर हम लोगों की मानसिक स्थिति और मतलब हर प्रकार से हम लोग बहुत ही परेशान है सर। सर हमारी तो समझ में ये नहीं आती है कि सर जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट के पास हमारी जानकारी नहीं पहुंच रही तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप आ कहाँ रहा है सर? क्या हमारे मामा जी को हम लोगों ने इतने ट्विटर कैंपेन चलाए, वहाँ भोपाल भी गए, सभी लोगों को हम लोगों ने ज्ञापन दिए, यहाँ जिला से लेकर हर व्यक्ति को हम लोगों ने ज्ञापन दिए सर, कलेक्टर को, विधायकों को, मंत्रियों को, सर यहाँ तक कि मामा जी के नाम से भी बहुत सारे ज्ञापन दिए, एक दो बार मामा जी को भी दिए, बट सर कहीं ना कहीं हम लोगों की बात को बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है। तो सर हम लोग बहुत परेशान है और हम लोगों की एक ही मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 51,000 पद किए जाएं सर, क्योंकि 18,000 में सर 10,000 तो एक ही वर्ग को दे दिए, अब मात्र 7-8 हजार पद बच रहे हैं हम 4-5 कैटेगरियों के लिए, और सर पिछले 12 वर्षों बाद भर्ती हो रही है, तो सर इतने सालों में बहुत सारे रिटायरमेंट भी हुए होंगे, और सर 2011 में जो भर्ती हुई थी उसमें 49,000 पद थे जिसमें से 24,000 बचे हुए थे, तो सर वो भी पद होंगे, तो सर बढ़ाने में दिक्कत कहाँ जा रही है गवर्नमेंट को? सर हम लोग भी जब सरकार चुनते हैं तो सर हम लोग भी कुछ उम्मीदें रखते हैं सरकार से। दूसरा एक और बात है, जहां जहां नई ज्वाइनिंग होती जा रही है वहां अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है, यानी ये भी नहीं कह सकते कि इतने अतिथि शिक्षक ऑलरेडी हैं, तो सरकार जहां 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 भी जी सर सभी चयनित शिक्षकों के जहां ज्वाइनिंग हो रही है अतिथि शिक्षकों को हटा रहे हैं, और 2 लाख से दो लगभग बिल्कुल गजट के सर हिसाब से 2 लाख के आसपास पद खाली हैं। असल में आपको लगता नहीं कि सरकार जो ये जो मुफ्त चीजें बांटने की घोषणा करती है उसके चलते जो रूटीन के काम जैसे नौकरी देना है ये वो कर नहीं पाती क्योंकि आर्थिक स्थिति इजाजत नहीं देती? सर वही मेरा कहने का मतलब है कि सरकार पता नहीं किन मतलब मुद्दों पे वर्क करना चाह रही है, एक्चुअली मैं देखना ही नहीं चाह रही है कि जो एक्चुअली जो समस्याएं हैं, जैसे अगर शिक्षकों की बात करी जाए सर, कोई भी देश हो, प्रदेश हो, या कोई छोटा सा गांव ही क्यों ना हो, उसकी आगे का जो भविष्य है वो शिक्षा पे ही डिपेंड करता है, मतलब ये हमारी प्राथमिकता है, मतलब शिक्षा पहली, अगर किसी देश गांव को आगे बढ़ाना है तो मतलब शिक्षा पहले चाहिए, बट सर उन्हीं चीजों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उन्हीं चीजों को अनदेखा किया जा रहा है, तो सर कुल कितने कहीं ना लोग कहीं सिलेक्ट हुए सरकार थे को इन एमपी चीजों को देखना एमपी चाहिए। जी शिक्षक पात्रता के तहत इन लोगों ने कितने कितने जो है प्रतिभागी सिलेक्ट किए हैं? सर हम लोग सर मैं आप क्वेश्चन सुन नहीं पाया, शायद आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। जो शिक्षक पात्रता जो के तहत आप लोग सब सिलेक्ट हैं उसमें, शिक्षक जी सर पात्रता परीक्षा में आप सब लोग सिलेक्ट हैं, तो कितने लोग सिलेक्ट किए हैं सरकार ने? सर हम लोग सर सिलेक्ट 1,94,000 क्वालिफाइड हुए हैं,
लगभग 9-10 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और 1,94,000 हम लोग पास हुए थे सर, बट जगह ओनली 18,000 निकली है सर। और उसमें से भी सर फ्रेश पद अगर देखे जाए तो 7-8 हजार हैं, क्योंकि वो जो और पद दिए उन्होंने बैकलॉग के दिए हैं एसटी को सर, बैकलॉग के भी दिए तो सर ओनली अच्छा। एसटी को एक ही कैटेगरी को दिए हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहां भी दिक्कत हो गई हम लोगों को। और फिर सर जब आपने देखा है कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो सर जो वैकेंसी है तो कम से कम उसको तो ध्यान में रख के दिए जाए हम लोगों को पद, कि भाई इतने सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं तो एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए सर उसके लिए, बट सर वो चीजें कुछ भी नहीं देखी जा रही हैं। और इस मसले पर अभी तक सरकार की तरफ से कहीं कोई ठोस जवाब भी नहीं आया। और भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं अपनी बात रखने के लिए।